अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस आज हम ब्रेड बोर्ड के बारे में देखेंगे कि ब्रेड बोर्ड किस तरीके से वर्क करता है और इसकी कौन कौन सी पिन किस तरीके से किस लॉ के तहत ये कनेक्ट होती हैं और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ब्रेड बोर्ड में हमारे पास दो टाइप्स के डिज़ाइन होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट डिज़ाइन की तरफ देखें तो हमारे पास ये वाली पिन आ रही हैं जो कि इस तरह सीरीज में हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 वाले ऊपर वाले कनेक्टर पिन हैं वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। और सीरीज में कनेक्टेड किस तरीके से हैं कि ये वाली पिन इस पिन के साथ कनेक्ट है, ये पिन इसी पिन के साथ कनेक्ट है। तो ये जो दो रोज ये वाली और ये दो रोज ये वाली, ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं वोल्टेज और जो हमारी ग्राउंड पिन होती है उसके लिए। अगर हम फॉर सपोज अगर हम आर्डिनो की डिजिटल पिन लेना चाहें और पावर सप्लाई की पिन लेना चाहें तो 5 वोल्ट हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे और ग्राउंड इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह कनेक्ट करने के बाद हम जो भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर या जो भी सप्लाई होगी उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी सारी जो रो है ये सीरीज में, इस सारी सीरीज में ग्राउंड भी आ गया और वोल्टेज भी आ गया। लेकिन इसमें एक लॉजिक है कि ये जो हमारी ब्रेड बोर्ड की पिन होती हैं या ये बार ऊपर वाली बार्स हैं ये एक जगह पे आके डिस्कनेक्ट होती हैं। डिस्कनेक्ट किस वक्त होती हैं कि जब हम देखें अगर 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5 बॉक्स तक ये वाली सीरीज में ऐसे कनेक्ट हैं और ये 5 बॉक्स आगे सीरीज में इस तरह से कनेक्ट हैं। अगर हमें ये पूरी रोज आपस इकट्ठी यूज करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वायर, दो जम्पर वायर देनी पड़ेगी और इस फाइव पिन में एक ब्रिज बनाना पड़ेगा ताकि हमारा ओवरऑल जो ब्रेड बोर्ड की ऊपर वाली सीरीज है वो सारी आपस में कनेक्ट हो जाए। तो अगर हमें इस तरीके से भी इस तरफ भी यूज करना है तो हमें इस तरफ भी यही करना पड़ेगा, इस तरीके से इसमें ब्रिज बनाना पड़ेगा हमें ताकि ये ब्रिज आगे वोल्टेज और करंट और ग्राउंड सप्लाई कर सके। तो इस तरीके से हम इसको ब्रिज बना देंगे। तो ये हमारे ऊपर वाली रो सीरीज में कनेक्ट होती है और ये वाले जो हमारे सेंटर वाले दो पोर्शन है ये हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं वो अगर हम देख लेते हैं अभी भी। तो ये हमारी वायर है, तो ये अगर ये मेरी वायर इस जगह पे कनेक्ट हुई या किसी भी इस पॉइंट पे कनेक्ट हुई तो इस पूरी की पूरी रो में, इस पूरे के पूरे कॉलम में वो करंट या वोल्टेज या सप्लाई या सिग्नल कोई भी जो आप कनेक्ट करना चाहें वो इस तरीके से इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये इस तरह से आपस में सारी जो है टर्मिनल कनेक्ट है। ये टर्मिनल इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट नहीं है, ये टर्मिनल इसी टर्मिनल यानी इसी के फ्रंट के सामने पूरी रो के साथ कनेक्ट है। लेकिन इसमें भी ये ब्रेक आ जाता है, ये वाला जो इसका सेंटर वाला पोर्शन है, सेंटर वाले पोर्शन में ये वाला हिस्सा इसका ब्रेक है। तो ये जो पैरेलल पिन्स कनेक्ट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट है, देन ये ब्रेक है और देन ये फिर इस तरीके से कनेक्ट है। अगर हम इसे सारे को पूरी रो को यूज करना चाहें तो हमें इसमें भी एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। इस तरीके से हम ब्रिज बना के इसको हम यूज कर सकते हैं। और ये इसलिए डिस्कनेक्ट होती है कि अगर हमें इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर या इस तरह की मेल एड्रेस की पिन यूज करनी पड़े तो हम इसके जरिए इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर देखें हम तो इसकी पिन जो ये वाली पिन है इसको हम इसी में कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करके इजीली यूज कर सकते हैं। ये हमारा आर्डिनो नैनो कनेक्ट हो चुका है इन पिन के साथ। तो अगर हमें कोई भी लॉजिक बनाना है तो हमें ये पिन इस तरह से लगाकर और आगे हमारी इस पैरेलल पिन में दे देनी है। और अगर हमें सप्लाई ले आउटपुट वोल्टेज लेने हैं या ग्राउंड लेना है तो हमें इसके 5 वोल्ट के साथ इधर कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस जगह पे कनेक्ट कर देंगे या इस पूरी रो में कहीं पे भी कनेक्ट कर दें और देन हम इससे ग्राउंड कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी लॉजिक बना रहे हैं, फॉर सपोज हमें एक LED ब्लिंक करवानी है तो हमारी ये ग्राउंड एक हम ये पैरेलल ले लेते हैं और ये हमारी ग्राउंड पिन हो जाएगी। तो अब जो भी हमारा अगर हम आउटपुट फॉर सपोज D2 से ले रहे हैं इस तरीके से हमारा ये आउटपुट पिन कनेक्ट होगी और इसके आउटपुट इनपुट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ब्रेडबोर्ड को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम IR सेंसर्स को डिस्कस करेंगे और IR सेंसर से हम डेटा कंट्रोल करके उसको हम अपनी कमांड में यूज़ करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे।